मुझे आदरपूर्वक चूड़ियां देते तो शायद मैं हाथों में पेन। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हनुमान चालीसा का पाठ करना नेताओं के लिए अब अनिवार्य हो गया है। दरअसल राजनीति के लिए जिस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना अब अनिवार्य बताया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब राजनेता और पार्टियां हनुमान चालीसा को अपने जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें अनिवार्य कर देंगी। दरअसल अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी थी कि अगर वो हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे तो मैं मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। और अगर देखा जाए तो हर पार्टियां हनुमान जी और राम जी के शरण में जाकर पहुंच गई हैं। हनुमान चालीसा का पाठ हर कोई कल कर रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे की तस्वीर नजर नहीं आई, जबकि उन्हें चुनौती भी नवनीत राणा ने दी थी। अब नवनीत राणा ने जब चुनौती दी तो शिवसैनिक भी चुप बैठने वाले नहीं है, और उन्होंने किस तरीके से हंगामा किया वो तो हमने आपको दिखाया ही था कि किस प्रकार से उन्होंने हंगामा करते हुए नवनीत राणा के विरोध में नारेबाजी की गई, नवनीत राणा के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, चूड़ियां भी तोड़ी गई। अब इस सब को लेकर एक बार फिर से नवनीत राणा ने एक वीडियो जारी करके इन सब को मुंह तोड़ जवाब दिया है। साथ ही उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए ये कहा है कि मातोश्री आकर मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, वक्त और जगह आप बता दीजिए। साथ ही उनका ये कहना है कि रोक सको तो रोक लो। और सिर्फ अमरावती की सांसद नवनीत राणा ही नहीं, उनके पति एमएलए रवि राणा भी इस मामले को लेकर अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सबसे पहले आपको सुनवाते हैं नवनीत राणा की वो वीडियो जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को जमकर लताड़ा है। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार की सहभागी पार्टी शिवसेना पर उन्होंने बोला है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब पार्टियां हिंदुत्व का कार्ड खेलना शुरू कर चुकी हैं और हर पार्टी अब हनुमान चालीसा और प्रभु राम का इस्तेमाल कर रही है। नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। आज जिस तरीके से सैनिक बोलते हैं कि घर से बहुत दूर रुके हुए थे और उन्होंने कुछ नया आंदोलन किया हमारे विरोध में, रवि राणा जी जो विधायक है मेरे विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाए, चूड़ियां फेंकी गई, तो मुझे तो पहले उनको बोलना मैं स्वागत हूँ, मुझे आदरपूर्वक चूड़ियां देते तो शायद मैं हाथों में पेन भी लूँ, क्योंकि जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करती हूँ वो मेरी अम्बानगरी है। मुझे सिर्फ इतना प्रश्न उद्धव ठाकरे जी को करना है, आप कल कहीं मंदिर में भी नहीं गए हनुमान जी के संकट मोचन के, ना ही वहाँ कोई आरती की, ना ही हार अर्पण किया, ना ही वहाँ पे आपने माथा टेका, ना ही हनुमान चालीसा आपने पढ़ा। क्या आपको हिंदू विरोधी ये बाड़ा साहब के विचार कहीं पीछे भूल गए हैं और हिंदू विरोधी शिवसेना निर्माण हो गई है क्या? उस दिन से तो सभी पूरे जग को और पूरे महाराष्ट्र को ये पता लग गया है कि उद्धव ठाकरे ने बाड़ा साहब के विचारधारा कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ दी है। और जिस हिसाब से यहाँ पे सिर्फ सैनिक जो विरोध कर रहे हैं, मेरे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, मैं अगर अपनी संस्कृति और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना गलत है और इसके लिए मुर्दाबाद है तो मैं मुर्दाबाद हूँ। अगर मैंने किसी को उनके विचारधारा याद दिलाने में अगर मैं मुर्दाबाद हूँ तो मैं मुर्दाबाद हूँ। और एक बात इससे इम्पोर्टेंट कि हम यहीं खड़े थे, उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे, शरबत भी तैयार थी, रेड कार्पेट भी लगा था, हनुमान जी की प्रतिमा भी इधर रखी है, पंडित को भी बुलाया है, साउंड सिस्टम भी है, और हनुमान जी की क्योंकि उनको वाचन तो करने आएगा नहीं, इसके लिए किताब भी यहाँ पर उपस्थित करके रखी थी कि वो आएंगे, एक एक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम सब मिलके हनुमान चालीसा करेंगे। और पुलिस प्रशासन को इतना मेरा जरूर कहना है कि अगर कोई भगवान का नाम स्मरण करने के लिए अगर कहीं जाता है तो उसे जाने देना चाहिए, पर शिवसेना भगवान का नाम और हनुमान जी का हनुमान चालीसा करने के लिए यहाँ नहीं आए थे, वो सिर्फ नवनीत राणा का और रवि राणा का मुर्दाबाद की घोषणा लगाने आए थे। और ये बात पक्की है कि मातोश्री के बाहर मैं जाऊंगी, हनुमान चालीसा का पाठन मैं करूंगी। अगर किसी में ताकत है, किसी में दम है तो नवनीत राणा को रोक के दिखाना, टाइम आप ठहराओ, समय आप बताओ, उस समय मैं वहां पहुंचूंगी। अगर आप मुंबई करें तो मैं मुंबई करूं और विदर्भ की बहू भी हुई, याद रखना। जय श्री राम। तो सुना आपने नवनीत राणा को, इसके बाद उनके पति और एमएलए रवि राणा की भी बात आपको सुनवाते हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कही है। ये वीडियो उन्होंने खुद जारी किया है, आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इसमें उन्होंने कहा है। आज कुछ शिवसैनिक मुझे मालूम पड़ा कल मेरे घर पे हनुमान चालीसा पढ़ने आ जाए, मैंने उनके लिए रेड कारपेट डाला, शरबत रखा था, भूखे के साथ उनका सत्कार के लिए मैं खड़ा था और
मैं चाहता हूँ कि खुश शिवसैनिक जो बाड़ा साहेब विचारों के बचे हुए उनके दिमाग ठिकाने पे आए और उन्होंने खुद होके बोला कि हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे मेरे घर पे आके। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं चाहता हूँ इसी तरह इन शिवसैनिकों ने मेरे साथ मातोश्री पे चलना चाहिए, जिस तरह से मातोश्री पे उद्धव जी ठाकरे इनके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में 7.5 लगी और संकट मोचन करके उन्होंने कल हनुमान जयंती के शुभ पर्व पे क्यों हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा, ये सब हिंदू उनको सवाल कर रहे हैं कि जब हनुमान चालीसा वो मातोश्री पे पढ़ नहीं सकते, महाविकास आघाड़ी का उनको डर है, सोनिया गांधी जी की उनको परमिशन लेना पड़ता है, अगर हनुमान चालीसा अगर वो पढ़ते थे मातोश्री पे तो कहीं ना कहीं पाठिंबा निकाल देते थे, सरकार गिर जाती थी, ऐसा उनको डर है। पर जब हिंदुओं के वोट जमा करना है तब हिंदुओं की बात करते हैं, इसीलिए बाला साहब ठाकरे के विचार वो पूरी तरह भूल गए और सोनिया गांधी के विचारों पे चल रहे, ये पूरा साबित हुआ है। पर मैं मातोश्री पे जाऊंगा, मातोश्री पे वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री 2 साल मंत्रालय नहीं आते, जो 2 साल किसानों के मिलने जाते नहीं है, कोई जिले में जाते नहीं है, और इस तरह से पूरी गंभीर परिस्थिति महाराष्ट्र में हो जाती है, इसलिए ये 7.5 खत्म करने के लिए मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी है। वो हम सब मिलकर वहाँ पे जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये काले पत्थर की लकीर है। तो आपने सुना कि नवनीत राणा और उनके पति दोनों ही उद्धव ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ मातोश्री में जाकर करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। आज जिस तरीके से सैनिक बोलते हैं कि घर से बहुत दूर रुके हुए थे और उन्होंने कुछ नया आंदोलन किया, हमारे विरोध में रवि राणा जी जो विधायक हैं मेरे विरोध में मुर्दे बात के नारे लगाए, चूड़ियां फेंकी गई, तो मुझे तो पहले उनको बोलना मैं स्वागत हूँ, मुझे आदर पूर्वक चूड़ियां देते तो शायद मैं हाथों में पहन भी लूँ, क्योंकि जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करती हूँ वो मेरी अम्बानगर है। मुझे सिर्फ इतना प्रश्न उद्धव ठाकरे जी को करना है, आप कल कहीं मंदिर में भी नहीं गए हनुमान जी के संकट मोचन के, ना ही वहाँ कोई आरती की, ना ही हार अर्पण किया, ना ही वहाँ पे आपने माथा टेका, ना ही हनुमान चालीसा आपने पढ़ा। क्या आपको हिंदू विरोधी ये बाला साहब के विचार कहीं पीछे भूल गए और हिंदू विरोधी शिवसेना निर्माण हो गई है क्या? उस दिन से तो सभी पूरे जग को और पूरे महाराष्ट्र को ये पता लग गया है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के विचारधारा कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ दी है, और जिस हिसाब से यहाँ पे शिवसैनिक जो विरोध कर रहे हैं, मेरे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, मैं अगर अपनी संस्कृति और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना गलत है और इसके लिए मुर्दाबाद है तो मैं मुर्दाबाद हूँ। अगर मैंने किसी को उनके विचारधारा याद दिलाने में अगर मैं मुर्दाबाद हूँ तो मैं मुर्दाबाद हूँ। और एक बात इससे इम्पोर्टेंट कि हम यहीं खड़े थे, उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे, शरबत भी तैयार थी, रेड कार्पेट भी लगा था, हनुमान जी की प्रतिमा भी इधर रखी है, पंडित को भी बुलाया है, साउंड सिस्टम भी है, और हनुमान जी की क्योंकि उनको वाचन तो करने आएगा नहीं, इसके लिए किताब भी यहाँ पर उपस्थित करके रखी थी कि वो आएंगे, एक एक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम सब मिलके हनुमान चालीसा करेंगे। और पुलिस प्रशासन को इतना मेरा जरूर कहना है कि अगर कोई भगवान का नाम स्मरण करने के लिए अगर कहीं जाता है तो उसे जाने देना चाहिए, पर शिवसेना भगवान का नाम और हनुमान जी का हनुमान चालीसा करने के लिए यहाँ नहीं आए थे, वो सिर्फ नवनीत राणा का और रवि राणा का।